नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा दोस्त मनु मोड़ ते इस वीडियो में बार्डर टेंडर रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं जो डायरैक्टली तुहाडे तो एग्जाम विच एज इट पूछे जाएंगे। तो करके चंगी तरह इस रीड कर लो एंड अपनी नोटबुक उपर राइट डाउन जरूर कर लियो, क्योंकि दोस्तों हूँ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरैक्ट अपने क्वेश्चन से आने। क्वेश्चन नंबर 84 की गल करिए दोस्तों, इस तो पहला जोड़े क्वेश्चन से वह मैं ऑलरेडी क्लास तुम्हें प्रोवाइड करवा दी है, जे नहीं देखी उन्होंने क्लासेस विच भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, एक बार विजिट जरूर कर लो, तुहाडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी तुहानू हैल्प मिलेगी। तो हुण आपां क्वेश्चन नंबर 184 की गल करिए, जे तुसीं घर विच मरीज़ की देखभाल कर रहे हो तो उसका भोजन डैश होगा, किहड़ा होगा भोजन? डॉक्टर द्वारा दसाया गया भोजन ही आपां देवांगे, एवें नहीं आपां मीट अंडे खवा खवा के उसनू होर बीमार कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 185 की गल करिए, मुढ़ली सहायता कदों देनी चाहिए है? जदों डॉक्टरी सहायता नहीं मिलती तो उस टाइम मुढ़ली सहायता देनी पैंदी है। मतलब दोस्तों इस तरह के नॉर्मल जे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो तुम एग्जाम में जाओगे क्वेश्चन पेपर देखोगे मोस्टली जिहड़े कि होम एंड होस्पिटल केयर रिलेटेड क्वेश्चन होणगे उस तुहानू आउंदी होणगे, क्योंकि आप रोज़ाना जीवन में यही चीज़ें देखते हैं। तो करके कोई ज़्यादा टेंशन लैन वाली गल नहीं है इस विच, ते जीके ते ज़्यादा फोकस रखो, पंजाब की जीके काफ़ी इंपोर्टेंट आने वाली है इस एग्जाम में। एंड हूँ आप क्वेश्चन नंबर 186 की गल कर लिए, मुढ़ली सहायता के समय पानी में डुबे व्यक्ति के पेट में पानी किमें कढ़ देना चाहिए, उसनों उल्टा के उपरों दबा देना चाहिए तो उसका पानी निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 की गल करिए, किसी जहरीली जीव द्वारा डंगण तो बाद की करना चाहिए, जिते डंग बजे होंगे डंग लगे होंगे जिते उस वाली थान चंगी तरह कस के कपड़े नाल बन देना चाहिए ता जो जहर अगे तक ना फैल सके। तो दोस्तों जे ये PDF मतलब कि इस एग्जाम रिलेटेड PDF तुम लैना चाहते हो तो WhatsApp ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है, लिंक पर क्लिक करो सीधा तुम WhatsApp के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, उतो तो रेगूलरली क्लास की अपडेट भी मिलती रहू, तो जोड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल है वह तुम्हें ग्रुप में ही प्रोवाइड हो जाएगी। ओके दोस्तों, जाके ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लो। एंड जे वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो एक लाइक, तो चैनल में सबसक्राइब, तो कमेंट जरूर कर दो, कमेंट थोड़ा की होना चाहिए, थैंक यू वीर लिख दो, थैंक यू सर लिख दो, कुछ मर्जी लिख दो। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 188 की गल करिए, तेजाब नाल सड़िया अंग किस दे नाल धोना चाहिए है? सिर्फ सिंपल वाटर नाल, सिंपल पानी नाल ही धो लेना चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 189 की गल करिए, पागल कुत्ते दे कट्टण नाल की हो जाता है? रैबिज नाम की जिहड़ी बीमारी है रोग है ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 190 की गल करिए, कुत्ते दे कट्टण तो बाद की करना चाहिए, इसनों भी पानी नाल धो लो, सब तो बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 191 की गल करिए, खून का बहाव किन्नियां किस्मों का होंगे? यह दो किस्म का होंगे, एक तो अंदरूनी खून वगदा रहिंदा है जो सट वज जाती है तो अंदर अंदर ही शरीर के अंदर ही खून डिगदा रहिंदा है, एक खून होंगे बाहर निकल जाता है, तो करके इसमें दो किस्मों में वंडिया गया है। क्वेश्चन नंबर 192 की गल करिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को की कहा जाता है? तो रोगाणु उसनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 193 की गल करिए, पेशाब विच खून आने की कहते हैं? तो हेमेट्यूरिया नामक एक रोग बीमारी होंगी, डिसीज़ होंगी है तो जिस करके पेशाब विचों खून आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 194 की गल करिए, PSR का पूरा नाम की है? तो PSR का पूरा नाम पोलीमर चेन रिएक्शन इसनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 की गल करिए, एक व्यक्ति तो दूजे व्यक्ति विच फैलन वाली बीमारी नूं की कहिंदे ने? छूत दा रोग कहिंदे ने दोस्तों इसनों। क्वेश्चन नंबर 196 की गल करिए, जदों मरीज अपने आप तुरन योग हो जाता है तो उसनों की कहा जाता है? एम्बूलेंटरी पोजिशन उस मरीज़ की उसनों मनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 197 की गल करिए, असंतुलित भोजन खाण नाल होने वाली बीमारी नूं की कहिंदे ने? तो तरट्टी रोग इसनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 की गल करिए, OPD का पूरा नाम क्या होंदा? आउटपुट डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, फस्ट एड बॉक्स किस तरह का निशान बनया होंदा? रैड कलर का, रैड क्रॉस यानी प्लस का निशान इस तरह का बनया होंदा उस उत्ते। क्वेश्चन नंबर 200 की गल करिए, फस्ट एड किट विच की होंदा है? सब तो पहला पट्टी ते विटाडिन नॉर्मली हर तरह के फस्ट किट विच मिल जाती है, इस तो अलावा हाइड्रोजन ते पायरऑक्साइड भी इस विच इनकलूड होंदा है किसी किसी फस्ट एड किट विच। तो दोस्तों यह काफ़ी इंपोर्टेंट डे ने एग्जाम में, एक ना एक इन्हों डेज़ विचों इंपोर्टेंट दिवसों विचों तुहाडे तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो करके इन्हों चंगी तरह रट लो। तो सब तो पहला विश्व तपदिक दिवस यानी TB डे कदों मनाया जाता है? तो 24 मार्च में ही मनाया जाता है। विश्व सेहत दिवस हेल्थ डे कदों मनाया जाता है? 7 अप्रैल में। विश्व होम्योपैथी दिवस कदों मनाया जाता है? 10 अप्रैल में मनाया जाता है। विश्व लीवर डे कदों मनाया जाता है? 19 अप्रैल में मनाया जाता है।
ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਡੇ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਯਾਨੀ ਹੈਂਡ ਕਲੀਨ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 202 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਸ ਏ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰਵਰ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 203 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 206 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 207 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 208 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੁਹਾਨ ਸਿਟੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 10-15 ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 209 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 210 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 211 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪਛਾਣ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਟ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 212 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ ਵਰਗਾ ਕਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 213 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਕ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 214 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ WHO ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 215 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 216 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 217 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 218 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨਾਜ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਨਾਜ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 219 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਾਤਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕਰਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਡਿਕਟਸ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 223 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ
क्वेश्चन नंबर 224 की गल करिए, साडे शरीर के निर्माण लई मुख तत्व की है? प्रोटीन साडे शरीर लई शरीर के निर्माण लई सब तो जरूरी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 225 की गल करिए, चर्बी शरीर नूं की वरदान दिंदी है? चर्बी तो आपां ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 226 की गल करिए, कार्बोहाइड्रेट्स का मुख स्रोत की है? ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 227 की गल करिए, 1 ग्राम चर्बी तो आपां नूं किन्नी ऊर्जा मिलती है? तो 37 किलो जूल ऊर्जा आपां नूं 1 ग्राम चर्बी तो प्राप्त होंदी है। क्वेश्चन नंबर 228 की गल करिए, शरीर में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस डैश नूं मजबूत बनाने में मदद करते हैं, हड्डी और दंदा नूं। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, प्रोटीन की इकाई की है? अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 230 की गल करिए, विटामिन दी टोटल कितनियां किस्में होंदिया ने? ते दो किस्में होंदिया विटामिन दी, एक तो वह विटामिन होंदे जिहड़े पानी में घुलनशील होंदे ने, ते दूजे वह विटामिन होंदे जिहड़े चर्बी में घुलनशील होंदे। क्वेश्चन नंबर 231 की गल करिए, पानी में घुलनशील विटामिन के नाम किहड़े ने? विटामिन बी ते विटामिन सी, जिहड़े बी सी विटामिन ने यह पानी में घुलनशील ने, इस तों इलावा जिहड़े चर्बी में घुलनशील ने वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई ते विटामिन के, यह चार विटामिन यह चर्बी में घुलनशील ने। क्वेश्चन नंबर 233 की गल करिए, विटामिन बी वन का रसायनिक नाम की है? तो थायमीन इसका पूरा रसायनिक नाम है, मतलब कि जो कैमिकल नेम होंगे ने विटामिन बी दे ते बी वन दे, सॉरी विटामिन बी वन का यह थायमीन नाम है जो रसायनिक नेम है। तो इस अलावा क्वेश्चन नंबर 234 की गल करिए, विटामिन B6 का रसायनिक नाम क्या है? आयरी डॉक्सीन नामक, मतलब कि B6 रसायनिक नाम दिता गया है। क्वेश्चन नंबर 235 की गल करिए, विटामिन सी का रसायनिक नाम है एसकोरबिक एसिड, इसे कहा जाता है। खट्टिया चीज़ों तो आपको मिलता है, नींबू संतरा जो भी होंगे ना खट्टा खट्टा, उस तो आपको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी विच की होंगे एसकोरबिक एसिड इनकलूड होंगे है। क्वेश्चन नंबर 236 की गल करिए, विटामिन ए का रसायनिक नाम क्या है? तो रेटिनोल, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, तो इस बार भी थोड़े तो एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन ए का रसायनिक नाम की है, तो याद रखियो रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 237 की गल करिए, विटामिन डी का रसायनिक नाम की है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 238 की गल करिए, विटामिन ई का रसायनिक नाम की है? तो टोकोफेरोल इसका रसायनिक नाम है। तो विटामिन के का रसायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनीन इसका जिहड़ा रसायनिक नाम है। ओके दोस्तों, उम्मीद है तुसी नाल दी नाल इन्हां क्वेश्चनों नूं राइट डाउन जरूर कर रहे हो। तो हुण इस क्लास नूं आपां समाप्त करदे हां, मिलदे आपां नैक्सट क्लास विच। जे साडा वट्सएप ग्रुप तुसी नहीं जॉइन किया, मतलब बार्डर टंडन दे एग्जाम रिलेटड हर न्यूज़ तुहानूं वट्सएप ग्रुप विच प्रोवाइड हो जाया करेगी, तां करके मैं कह रहा जाके वट्सएप ग्रुप जॉइन कर लो। लिंक कित्थे है? वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच है, क्लिक करोगे सीधा थोड़े तो वट्सएप ग्रुप जॉइन हो जाएगा।